Thank you.
पे ऐसे सोने रंग की दिल करता है वारी वारी जाइए तो फिर तालियां जरा बजाइए और हमारे फनकार को बताइए कि आपको किस कदर अच्छा किस कदर खूबसूरत लगा है। ये सलाम करने जा रहा है हमारे चीफ गेस्ट जो मोहम्मद अब्रार आलम लाहौर से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत अंदाज है और जो हमारे गाची है वो किस कदर मोहब्बतें आपको बिखेर रही है। तो इसका भी हक बनता है कि इसको तालियां बजाकर इसको भी जरा गा दे दीजिए कि वो भी आपने जिस तरह से हम मुस्कुराए हैं जिस तरह से हम झूम झूम गए हैं इस तरह से ये भी जरा खुश हो जाए कि किस कदर जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस यहाँ पे दी है। इसके बाद जो दूसरी परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं वो भी बड़ी आला और मज़ेदार किस्म की होने वाली है। हमारे डायरेक्टर आर्ट्स काउंसल जाहिर साहब की बहुत ही प्यारी क्यूट सी बेटी जो इस वक्त वाइट फेरी लग रही है जीनिया सीनिया को हम कहेंगे कि आप स्टेज पे आए और हम देखते हैं चेक करते हैं कि हमारे बच्चे आज के कितने जो है हिम्मत वाले हैं। दूर से देखकर तो उन्होंने इंजॉय किया लेकिन हम चाहेंगे कि वो स्टेज पे आए और जीनिया जो है डाची के ऊपर बैठे और इस सवारी का जरा लुत्फ उठाएं जरा मजा करें। उनको भी पता चले कि जनाब वो लाहौर से अगर फैसलाबाद आई हैं तो किस कदर उन्होंने इंजॉय किया है। तो छोटी सी बड़ी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची है बड़ी हिम्मत की है तो आपकी तालियां तो बनती हैं जनाब थोड़ी सी तालियां इस बच्ची के लिए भी जीनिया के लिए भी हो जाए जो डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल की बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बेटी है। तो हमारे बच्चे जो यहाँ पे मौजूद हैं उनके मन में जा रहे होंगे जबरदस्त जबरदस्त कमाल कमाल जबरदस्त। जबरदस्त जीनिया ने साबित कर दिया है कि उन्होंने इस शो को इंजॉय भी किया लेकिन उसकी बहादुरी को आप दाद दें कि अगर मुझे लगता है कि मैं इस कदर मौजूद होती तो शायद मैं डर जाती लेकिन जीनिया किस कदर माशाल्लाह से बहादुर बच्ची है और किस कदर वो अपना स्टेमिना अपनी एनर्जी बरकरार रखे हुए कि वो ऊंट की सवारी का लुत्फ उठा रही है और भरपूर इंजॉय किया है जीनिया बिल्कुल ख्याल से आप जबरदस्त आप देख सकते हैं कि हमारे जो इस वक्त ऑडियंस में बच्चे मौजूद हैं वो बिल्कुल चाह रहे होंगे कि हम भी काश कि हम भी जीनिया की तरह जो है यहाँ की सवारी करें डाची पे बैठें तो इन बच्चों को भी मौका मिलेगा। और इन बच्चों के लिए ख़ास बात ये है कि ज़रा मोबाइल से हटकर आप कभी जाइए सैर गाहों में तफरी गाहों में और ऐसे जो इंजॉय करें ऐसी इंजॉयमेंट जो है वो अपनाइए। जीनिया ने अपना फोटो सेशन मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद जो जनूबी पंजाब से हमारे फनकार आए हैं जो मुल्तान से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं मोहम्मद अकार उनके साथी वो एक और जोरदार महसूस कर रहे हैं उनके लिए एक जबरदस्त किस्म की ताली और अगली परफॉर्मेंस जहाँ पे देने के लिए जा रहे हैं वो है पंजाब की सकाफत का एक और बड़ा तगड़ा किस्म का रंग और रंग है ऐसा रंग कि जिसे देख के ही आप सब भी लुट्टी डालने लगेंगे झूम झूम जाएंगे। तो मैं अगली परफॉर्मेंस के लिए बुलाती हूँ मोहम्मद अता के साथियों को कि वो स्टेज पर आए और लुट्टी परफॉर्मेंस यहाँ पे पेश करें। हमारे चीफ गेस्ट जो लाहौर से तशरीफ लाए हैं मोहम्मद अब्रार आलम साहब वो यहाँ पे मौजूद हैं उनको हम एक बार फिर से दिल से जियानो वेलकम खुशामदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो देख सकते हैं जो फैसला
फैसलाबाद के शाकीन है, जो फैसलाबाद का क्राउड है वो कितना जिंदा दिल है और अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करना जानता है। तो अगली परफॉर्मेंस के लिए क्या आप रेडी है? नहीं रेडी, तालियां बताएंगी। रेडी है? स्टैमिना बरकरार है? मजीद शो देखना है तो भी बुलाया जाए। लड़कियों की आवाज कम है, लड़कियों की आवाज होनी चाहिए, यहां से बुलाया जाए लुड्डी परफॉर्मेंस के लिए। तो अब हम देखते हैं कि लुड्डी परफॉर्मेंस जो यहाँ पे होगी उसमें हमारे शायकीन वहां पे लुड्डी डालेंगे। चले जी बिल्कुल स्टार्ट करते हैं लुड्डी परफॉर्मेंस के लिए। We'll be right back.
कमाल आला, तो आपकी तालियां बजाएंगी कि आप जनूबी पंजाब की सकाफत के ये रंग कैसे देखने को मिले। और मजे की बात ये है कि जनूबी पंजाब की सकाफत के ये रंग देखने के लिए आपको जनूबी पंजाब नहीं जाना पड़ा, जनूबी पंजाब के लोग खुद चलकर आपके पास आ गए हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी तालियां की गूंज में रुखसत करते हैं मोहम्मद अता और उनके साथियों को, जिन्होंने एक धमाकेदार किस्म की परफॉर्मेंस दी और हमारे शाकिन में देख सकती थी कि उन्होंने अपना वादा निभाया और शाकिन ने पीछे जो है लुडियाँ भी पाई और भंगड़े भी डाले। और यकीन करें इनकी परफॉर्मेंस देख के मेरा दिल भी कह रहा था कि जनाब मैं भी जरा लुडियाँ पाऊँ। तो बिल्कुल, और हमारी खवातीन मैं समझ सकती हूँ कि हमारी खवातीन जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसको इंजॉय कर रही हैं। और फिर ज़रा तालियाँ की गूंज बताएगी, क्या हम अपना प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ें। अपनी ऑडियंस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने हसीन खूबसूरत प्यारे चेहरे अपने वक्त में से वक्त निकाल कर इस शाम को चार चांद लगाने के लिए यहाँ आए। और यकीन कीजिए कि ये शाम आपकी आमद की वजह से, आपकी मौजूदगी की वजह से बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही हसीन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे आके कवरेज कर रहा है, बल्कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ कि 24 घंटे आपके लिए काम करते हैं। तो एक बार तालियाँ हो जाए हमारे इन रिपोर्टर्स के लिए, हमारे कैमरामैन के लिए, जो आप तक एक एक लम्हा पहुँचाने के लिए, आप तक खबर का एक एक लम्हा देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद हैं कि इस चार दीवारी के अंदर जो हो रहा है वो पूरी दुनिया तक फैलाया जाए और दिखाया जाए। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है, क्योंकि दूसरे हिस्से में लगेगा ज़रा सुरों का तड़का और आपके दिलों के तार छेड़ने के लिए इस वक्त हमारे पास जो मौजूद है वो क्वीन ऑफ द टैलेंट हंट है। पंजाब के टैलेंट हंट प्रोग्राम में उन्होंने पहली पोजीशन अपने नाम की है और पहली पोजीशन अपने नाम करने वाली का नाम है मैमूना साजिद, जो लाहौर से आई हैं। महज 16 साल उनकी उम्र है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उन्होंने इतने ज़बरदस्त किस्म के कारनामे अंजाम दिए हैं। ऐसा गाती हैं कि सुनने वाले सर झूमते रह जाते हैं। तो मैमूना साजिद की परफॉर्मेंसेस, उनके जो सॉन्ग हैं वो हमें यहाँ पे सुनने को मिलेंगे और उनके साथी जो उस वक्त साथ देंगे वो हारमोनियम पे होंगे मुश्ताक अहमद को हम वेलकम कहते हैं और कुछ तालियाँ जो है मुश्ताक अहमद के लिए भी हो जाए। और हमारे पास इस वक्त जो तबला के मास्टर मौजूद हैं, ऐसे मास्टर हैं कि आपके दिलों के तार छेड़ने वाले हैं, उस्ताद आसिफ अली खान साहब। तो भरपूर तालियों में उस्ताद आसिफ अली खान साहब को भी वेलकम, खुशामदीद जी आया नो कहिए कि वो यहाँ पे मौजूद हैं आपके दिल धड़काने के लिए। तो दिलों को धक धक करने के लिए, दिलों को धड़काने के लिए यहाँ पे मैं दावत देती हूँ मैमूना साजिद कि वो स्टेज पे आए। और मैमूना साजिद के लिए मैं ये कहूँगी कि ऐसी खूबसूरत आवाज़, ऐसा प्यारा हसीन चेहरा, ऐसा लगता है कि हमारी शाम में जो चांद है वो आर्ट्स कौंसिल की इस चार दीवारी के अंदर उतर आया है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं पंजाब टैलेंट हंट के और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इब्रार साहब की और जाहिद इकबाल साहब की, जिन्होंने हमें यहाँ इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम अपना टैलेंट दिखा सकें और हमारे जो पाकिस्तान टैलेंट को है वो प्रमोशन मिल सके। और स्टार्ट करने से पहले मेरे बहुत से यहाँ पर सीनियर्स भी बैठे होंगे, चूँकि मैंने सुना हुआ है कि फैसलाबाद के लोग
माशाल्लाह सुनने में बहुत बारीक होते हैं, और अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं तो अभी सीख रही हूँ मौसीकी को, कोई गलती कोताही हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। बिल्कुल मैमूना जो फैसलाबादी है, आप देखेंगे कि आपको किस कदर दिल खोल कर डा देंगे और इनकी तालियां बजाएंगी। आपकी उम्र अगर महज 16 बरस की है आप, लेकिन आपने कितना ज़बरदस्त, कितना कमाल किस्म का गाया है, हमारी ऑडियंस आपको भरपूर दाद भी देगी। तो मुमना आपसे मेरा ये सवाल होगा कि आप नुसरत फ़तेह अली खां के शहर में मौजूद हैं, एक लेजेंड उनके शहर में मौजूद हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप खड़ी हैं ये प्लेटफॉर्म भी उनके नाम से मौसूम है, तो मैं चाहूँगी कि आप जो है नुसरत फ़तेह अली खां के रंग में उनका गाया हुआ कुछ गा दें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस वक्त हम मौजूद हैं नुसरत फ़तेह अली खान ऑडिटोरियम में, और चूँकि आगाज़ करने जा रही हूँ तो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आगाज़ करना चाहूँगी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवाली से शुरू करना चाहूँगी, जिसके लिरिक्स हैं अल्लाह हू अल्लाह हू। जब ना था कुछ यहाँ, जब ना
शान 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 लाए ना, तेरी शान 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 लाए ना, या अल्लाह तेरी शान 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 लाए ना। तू जो हरियाणा में शान दिखा देता है, तू जो हरियाणा में शान दिखा देता है, दीदा ए शौक को हैरान बना देता है, दीदा ए शौक को हैरान बना देता है। Thank you.
साजिद के बारे में एक छोटा सा राज है जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ कि अगर मैमूना साजिद को इस वक्त हम अगर स्टेज पर देख रहे हैं तो इसका सेहरा डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स जो इस वक्त हमारे चीफ गेस्ट हैं मोहम्मद अबरार आलम उनके साथ जाता है कि इस गोरे नायाब को उन्होंने तलाश किया और टैलेंट हंट प्रोग्राम में लाए। तो तालियां तो हमारे चीफ गेस्ट के लिए बनती है कि उन्होंने इस गोरे नायाब को तलाश किया और हमारे सामने पेश किया, तो भरपूर तालियां हो जाए। अच्छा मैमूना, अगर आप इजाजत दें तो कुछ हम फरमाइश कर सकते हैं। बेसिकली जो मेरी फरमाइश है वो मेरी ऑडियंस की फरमाइश है, वो भला क्या है। मैं ते मेरा दिल भर जानी हो जाए, हो जाए। अच्छा इसमें आप सब मेरा साथ देंगे और मेरे साथ क्लैप करेंगे सब मिलके, और अगर आप गाना चाहेंगे और मेरे साथ आप गा भी सकते हैं। आपके साथ गाएंगे भी और झूम झूम भी जाएंगे, झूमेंगे गाएंगे तालियां बजाएंगे। मेरा दिल भर जानी बोलिया थी प्यार कहानी, मेरे मेरा दिल भर जानी बोलिया थी प्यार कहानी। Thank you.
फरमाने लगे, हाथ रख कर मेरे सीने पे वो फरमाने लगे, दर्द क्यों होता है, कब होता है, अब होता है। तो मेमुना, मेमुना आपने समा बांध रखा है, आपके जो सुर है हमारे कानों में रस घोल रहे हैं, तो सुरों का सिलसिला जारी रखते हैं। मेमुना से एक आखिरी फरमाइश किए लेते हैं, क्योंकि मेमुना ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम में पहली पोजीशन हासिल की, तो लाजम है कि वो पहली पोजीशन जो विनिंग सॉन्ग है वो गाना सुना जाए कि आखिर वो सॉन्ग कौन सा था कि मेमुना ने पहली पोजीशन अपने नाम की। पहली पोजीशन का गाना सुनने से पहले मेमुना के वालिद और वालिदा, इनके मामा पापा यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं उनको सलूट पेश करती हूँ।